term NTP stands for option A, nominal temperature and pressure, B, natural temperature and pressure, C, normal temperature and pressure, and D, normal thermodynamics practice. Hello dears, ये JEE MCQ है, इसे SSC JEE 2010 में पूछ दिया गया था. SSC JEE 2010 में इसको पूछा था, जो कि थर्मोडायनेमिक्स में इसे पूछा गया है. थर्मोडायनेमिक्स ये जनरल साइंस में भी पूछ सकता है, या फिर ये जनरल साइंस का भी कह सकते हैं क्वेश्चन है, और ये बेसिक है. ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है ये. तो क्वेश्चन ये है कि एनटीपी जो है, एनटीपी क्या है, एनटीपी स्टैंड फॉर, एनटीपी क्या है, इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है. तो एक होता है एनटीपी, ठीक है, एनटीपी, और एक दूसरा होता है एसटीपी. इन दोनों में तो एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये होता है एसटीपी. तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी कि इसमें जो टेम्परेचर होता है वह होता है 0 डिग्री सेल्सियस. यानी कि अगर इसे हम केल्विन में लिखेंगे, ठीक है, इसको अगर हम केल्विन में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 273.15 केल्विन. स्टैंडर्ड टेम्परेचर ये है. और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है, 0.987 atm. atm इज एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक. सो ये है एसटीपी. यहां पे पूछा है एनटीपी. एनटीपी क्या होता है, एनटीपी को कहते हैं हम नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. सामान्य तापमान एंड दाब, टेम्परेचर को तापमान और प्रेशर को दाब कहते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर हिंदी में भी लिख दीजिए. सो जहां तक हो सके हम हिंदी में भी कोशिश करेंगे. इसको कहते हैं सामान्य तापमान और दाब, सामान्य तापमान. ऐसे ये हिंदी कंपलसरी नहीं, उतना तो यहां पे नहीं मायने रखता है, लेकिन आप जैसे शुरू से हिंदी मीडियम में हैं तो उसको समझने में इजी हो जाएगा. सो इसके लिए तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, ये होता है मैं भी कह सकते हैं 20 डिग्री सेल्सियस. ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर. यानी कि अगर इसको हम केल्विन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 20+273. ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 293 केल्विन. ये हो गया नॉर्मल टेम्परेचर. और नॉर्मल प्रेशर जिसको हम कहते हैं 1 atm. atm इक्वल्स टू क्या होता है, 1 atm इक्वल्स टू होता है 101.325 किलो पास्कल. पास्कल यूनिट होता है प्रेशर का, जिसे हम कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल, और जिसको कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 1 atm इक्वल्स टू है 101.325 किलो पास्कल. यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 atm इक्वल्स टू 1 atm इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1. अगर पास्कल में लिखेंगे 1.01325 पास्कल. तो यहां पे पूछा है द टर्म एनटीपी स्टैंड्स फॉर, तो ये हो गया आपका, ये कहलाएगा नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. इसे क्या कहेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन
सी इज करेक्ट। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर यानी कि सामान्य तापमान और दाब जिसे कहते हैं, एनटीपी इज कॉल्ड नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। सो ये था आज का क्वेश्चन और आज का टॉपिक हमारा एनटीपी। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।